देश में लॉकडाउन होने के कारण विभिन्न राज्यों से आए 300 के करीब नेपाली नागरिकों को यूपी के महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में स्थित 3 विद्यालयों में क्वारंटीन किया गया था। 24 दिन बाद भारत और नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा आपस में वार्ता कर शुक्रवार की शाम करीब 99 लोगों को क्वारंटीन सेंटर से निकालकर रोडवेज बस के माध्यम से उन्हें उनके वतन नेपाल देश के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान नेपाल देश के एपीएफ डांडा क्षेत्र के डीएसपी सशस्त्र एमबी शाही ने बताया कि नेपाल और भारत देश के अधिकारियों ने आपस में वार्ता कर नेपाली नागरिकों को नेपाल भेजने का निर्णय लिया है, इसलिए 24 दिन बाद हमारी उपस्थिति में इन सभी 99 नेपाली नागरिकों को नेपाल ले जाया जा रहा है। नेपाल ले जाकर इन सभी का पहले स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद ही सभी को अपने घरों के लिए रवाना किया जाएगा। 24 दिन से लोग उधर इंडिया में बैठे नेपाली हमारा नेपाली दाजुभाई तो आज नेपाल सरकार ने निर्णय किया, उसके बाद हमको ऊपर से आदेश आया, इसलिए हम उनके आदेश से मेरा लीडरशिप में और पुलिस का इंस्पेक्टर साहब और हमारा टीम इधर लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आज वेरीफाई कर रहे हैं। ये लोग आज 94 लोग जाएंगे उधर बॉर्डर में, उनको चेक होगा, आरटीटी टेस्ट होगा, उसके बाद ये लोग जो लोग को नेगेटिव होगा वो लोग घर जाने के लिए उधर व्यवस्था होगा, जो पॉजिटिव हुआ था उन लोग को वैसे आइसोलेशन और डॉक्टर के उसमें उपचार होगा।